हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, तेजी से शैक्षिक परिवर्तन से गुजर रहा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में प्रयासरत है। उसी कड़ी में दोस्तों एक नया नियम, एक नई गाइडलाइंस जारी हुई है। अब परिषदीय शिक्षक भी बन सकेंगे जिला समन्वयक। जी हाँ दोस्तों, अब परिषदीय शिक्षक भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग और बालिका शिक्षा बन सकते हैं। अभी तक इन पदों पर राज्य कर्मचारियों की ही केवल नियुक्ति होती थी। चूंकि परिषदीय शिक्षक राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो वो इन पदों पर ऑन डेपुटेशन नहीं आ पाते थे। लेकिन दोस्तों, अब परिषदीय शिक्षक भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर देंगे। आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज आपके सामने कवर करते हैं। अब सहायक अध्यापक बन सकेंगे समन्वयक। समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में रिक्त समन्वयकों के पद पर अब परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में समन्वयक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के लगभग 156 पद दोस्तों रिक्त हैं। गौर करने की बात है कि जिला कार्यालयों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग के, बालिका शिक्षा के, विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता के तकरीबन 156 पद अभी खाली हैं। इन्हें भरने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को संबद्ध किया गया है। रिक्त पदों पर योग्य कर्मचारी नहीं मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा करने वाले, इसकी जो अर्हता होगी दोस्तों, परिषदीय स्कूलों में 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा होने है और अधिकतम 45 वर्ष आयु के शिक्षकों को तैनात करने का एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल दिया है। इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। परास्नातक में दोस्तों आपके 55% अंक हों, व MBA की डिग्री ज़रूरी है। यहाँ पे दिया गया है व MBA की डिग्री ज़रूरी है। शासनादेश आने दीजिए या गाइडलाइंस और आने दीजिए, या MBA की जगह और होना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे संबंधित विज्ञापन देखा है, तो इसमें पहली बात तो है कि परिषदीय विद्यालयों में 3 वर्ष आप सेवा किए हों, आपकी उम्र 45 वर्ष से कम हो और आपने किसी भी विषय में 55% अंक के साथ PG किया हो या MBA की डिग्री, इसमें ज़रूरी है। साथ ही राजकीय संस्था अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से, उसके साथ ज़रूरी है दोस्तों कि आप कोई भी राजकीय संस्था हो या कोई मान्यता प्राप्त संस्थान हो, वहाँ से निर्गत कंप्यूटर कोर्स में डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दोस्तों लिया हो। चयन प्रक्रिया में खास तौर पे अगर आप MEd हो, PhD डिग्री धारक हो, तो आपको दोस्तों वरीयता भी मिलेगी। तो आप बिल्कुल आवेदन करिए दोस्तों, आपकी परिषदीय शिक्षक हैं और 3 साल का अनुभव आपको है, आप PG में किसी विषय से PG में 55% अंक भी पाए हैं और आपने कंप्यूटर का क्या कर रखा है, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, अगर आप MEd या PhD हैं तो आपको वरीयता प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप दोस्तों, जैसे ही ये फॉर्म विज्ञापित होता है, खैर मैं उससे संबंधित वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, बट आप अभी से मन बना लो, प्रत्येक जिला समन्वयक को हर महीने कम से कम, अगर आप हो जाते हैं, 10 दिन विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं तो हर महीने कम से कम आप 10 विद्यालयों का क्या करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे और सुपरविज़न भी करेंगे। 1 महीने में अधिकतम 500 किलोमीटर तक हर महीने 10 स्कूल को आपको विजिट करना होगा
और हर एक महीने में 500 किलोमीटर तक मोबिलिटी और वाहन भत्ता की दर अधिकतम 4000 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। तो आपको अधिकतम गमन के लिए 4000 रुपये भत्ता भी मिलेगा। जिले में तैनात लगभग 450 समन्वयकों को विद्यालयों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए वाहन भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही दोस्तों वाहन भत्ता की, वो दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी को भी राज्य परियोजना कार्यालय को कंटिनजेंसी मद से वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ना केवल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बल्कि राज्य परियोजना जो कार्यालय है वो कंटिनजेंसी भत्ता देगा BEO सर को भी। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के बीच में शेयर करना ताकि योग्य अभ्यर्थी इन पदों पे काबिज हो सकें और हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है दोस्तों उसमें क्वालिटेटिवली चेंज आ सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के बीच में आप शेयर करें। लेकिन अगर आपने मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।